गान पूजा शकुन पांडे जी और उनके सभी साथी जो निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद हैं, हम उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अत्याचार हो रहा है, एक गांधी का उन्होंने पुतला फूंका और उन्हें जेल में डाल दिया गया, इसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं गांधी को गद्दार मानता हूँ, राष्ट्रपिता है नहीं वो। 1 करोड़ हिंदुओं का काफिल जिसके कारण 1 करोड़ हिंदू मारे गए और जिस व्यक्ति ने गांधी का वध किया था मैं उसे देवता स्वरूप मानता हूँ। आजाद भारत का पहला अमर बलिदानी पंडित नाथुराम गॉडसे प्रातः स्मरणीय है मेरे लिए, मैं उन्हें रोज प्रणाम करता हूँ। जो चंद्रगुप्त था वो बौद्ध धर्म को मानता था, हिंदू धर्म को नहीं मानता था, जिस हिंदू धर्म की दोहाई ये लोग देते हैं। चलिए खैर उसके बारे में फिर बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आपने शायद आशा नहीं की होगी शायद आज रात आऊंगा, लेकिन मैं बेशर्म आदमी हूं महात्मा गांधी जी की तरह, जो बेशर्म आदमी को धक्का दे दिया जाता है साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन में और वो फिर भी उन पर केस कर देता है। यार गांधी वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं, एकदम जिद्दी होते हैं। लेकिन गांधी जी के बारे में, कल गांधी जयंती मनाई गई, 150 का सारा कुछ हुआ, सारा कुछ चला, बहुत जगह गांधी जी का गुणगान हुआ, लेकिन गोडसे का भी साथ में गुणगान हुआ। जिस गोडसे का गुणगान हुआ उस गोडसे के बारे में ना तो ट्विटर ने पाबंदी लगाई ना सोशल मीडिया ने पाबंदी लगाई, बस सब चलता रहा। अगर आज आप मोदी के खिलाफ कोई न्यूज़ डाल दें तो आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा या आपका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी के खिलाफ अगर कोई बोलता है, राष्ट्रपिता के खिलाफ कुछ बोलता है और ट्विटर पर ट्रेंड चलता है तो इसका मतलब लगता है कि मोदी जी की मौन सहमति उसके साथ होती है। अभी एक दो चेहरे पहन करके बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, बैठना भी चाहिए क्योंकि चाणक्य जो ठहरे और चंद्रगुप्त जो ठहरे, समुद्रगुप्त जो ठहरे, लेकिन ये बताना भूल जाता है संघ का वो साहित्यिक, मतलब साहित्यिक विद्वान जो उनका एक वो है, ये बताना भूल जाता है कि चाणक्य ने देश में इतना सारा सब कुछ कराया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त था वो बौद्ध धर्म को मानता था, हिंदू धर्म को नहीं मानता था, जिस हिंदू धर्म की दोहाई ये लोग देते हैं। चलिए खैर उसके बारे में फिर बात कर लेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं अभी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं और गोडसे क्यों चला इस बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बड़े जो हैं गंभीर भी हैं और बहुत चालाकी भरे भी हैं। क्योंकि गांधी जी में लिखा है पूरा, तो इसमें ही पढ़ के बोलूँगा भैया, पहले ही मैंने तैयार कर रखा है। गोडसे ने गांधी जी को मारा, गांधी जयंती पर गोडसे का नाम चलता रहा, गोडसे हमारा देवता है या गोडसे अमर रहे, इस तरह की बात चलती रही। और साधु समाज के कुछ लोग जो अपने आप को दावा कर रहे थे, अलीगढ़ से उनका एक वीडियो आता है जिसमें बोलते हैं गांधी जी गद्दार थे, मोदी सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी मुझे बता दे, कि जो ये लोग बोल रहे हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर और खुलेआम बोल रहे हैं, उनका ट्विटर ब्लॉक भी नहीं किया जा रहा, उनका हैंडल ब्लॉक भी नहीं किया जा रहा, लेकिन मोदी से सवाल पूछने पर सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, धाकड़ न्यूज़ ब्लॉक कर दिया गया। जी वो एक धाकड़ न्यूज़ जो एडिटिंग के मामले में, हर मामले में बहुत बेहतरीन था, उसको ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन भैया मैं ब्लॉक नहीं होना चाहता, मोदी जी यार मेरे बच्चों का सवाल है, नौकरी मेरे पास है नहीं, यार मुझे ब्लॉक मत करना, मैं आपकी तो तारीफ करता हूँ, देखो हमेशा देखो आपको ये लोग बदनाम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ बदनाम, ये लोगों ने जो बोला है मैं बता रहा हूँ, आप इनको ना डंडा लगाइए पिछवाड़े में, आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपके बीच में कुछ गद्दार हैं। मोदी जी आप तो नेहरू जी के ऊपर भी महान हैं, नुकसान कर गए थे नेहरू जी, आपने तो बहुत कुछ संभाल लिया हिंदुस्तान में। तो मैं बोलना चाहता हूँ साधु समाज के लोग जो गेरु वस्त्र पहन के आ गए थे, साधु भी नहीं थे, वो बोल रहे कि गांधी जी गद्दार थे। और व्यक्तिगत सवाल किए गए, वीडियो डाले गए, उस वीडियो पर ट्विटर की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं एक बात बोलूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरी बात बहुत पसंद आई नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं की भाषा में बोलना चाहता हूं। मित्रों जो गांधी के खिलाफ बोलते हैं वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, इनको उनकी औकात याद दिलानी चाहिए,
इनको बताना चाहिए गांधी जी हमारे देश के लिए क्या किया था। ऐसा ही भाषण कुछ मोदी जी ने अमेरिका में दिया था। लेकिन यहाँ अमेरिका नहीं है, बेंडेटा सिर्फ हिंदूवादी संगठनों का चलता है, कथित हिंदूवादी संगठन नहीं बोल सकते उनको, ये सारे वो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते जो गांधी जी को गालियां देते हैं और जो गोडसे की तारीफ करते हैं। ये कुछ चंद लोग हैं जो गोडसे को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं, जिसने कभी कुर्बानी नहीं दी, जो कभी जेल में बंद नहीं रहा गोडसे, जिसने कभी आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया, हिंदू महासभा ने कभी भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा के उस समय के लोगों ने सीधे सीधे मोहर लगा दी थी जिन्ना के उस पाकिस्तान मांगने पर कि हम एक धर्म एक राष्ट्र के पक्षधर हैं, अगर जिन्ना अगर मांग रहे हैं तो उनको दे दिया जाए। ये शायद बात बाहर नहीं आई, लेकिन ये सच्चाई है। हिंदू संगठनों ने ही जिन्ना को मतलब उकसाया था अंग्रेजों के कहने पर, इसीलिए पाकिस्तान अलग हुआ। गांधी जी दोषी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से गांधी जी के खिलाफ और गांधी जी की जयंती पर चलाया जाता है तो लगता है ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। लेकिन मैं नहीं मानता कि मोदी जी का न्यू इंडिया है, मोदी जी ऐसे सहमत नहीं है। मोदी जी तो महान है, महान से भी महान है, और महान से भी महान से ऊपर होता है उससे भी महान है। रियली देखना आप, मोदी जी इन पर प्रतिबंध लगा देंगे। दोस्तों मोदी जी को मैंने बोल दिया है ना, मोदी जी मेरे खास आदमी है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मोदी जी बेकार चलाया ना ये सब कुछ जो चला कल, कितनी बेइज्जती कराई इन लोगों ने आपकी। गोडसे अमर रहे, गोडसे अमर रहे, अरे यार इसका क्या मतलब है यार। जब इतिहास में एक बार दर्ज हो चुका है जो आदमी आतंकवादी था पहला हिंदुस्तान का, अगर वो हिंदू था तो इसमें क्या शक है। लेकिन बाकी के हिंदू आतंकवादी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मोदी जी मेरी अपील ये है कि बाकी के हिंदूज को आतंकवादी मत बनाइएगा। इस्लाम की शिक्षा देकर के जिस तरह से ISI और सारे जिहादी संगठन इस्लाम में पैदा किए गए, उस तरह के जिहादी संगठन हिंदू में पैदा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा मोदी जी। तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी हमारा देश न्यू इंडिया बनेगा मोदी जी। मुझे आपसे बहुत आशा है, मैं रियली बता रहा हूँ। अचानक से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया जब से आपका भाषण गांधी जी के बारे में सुना और आपने गांधी जी की इतनी तारीफ की। वाकई में मोदी जी मैं आपका वाकई में बहुत ज़्यादा प्रशंसक हो गया हूँ। लेकिन ये जो है ना गधे कुत्ते, कुत्ते भौंकते हैं ना, इनका थोड़ा इलाज कर दीजिए मोदी जी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो, मोदी जी से कैसे लगी मेरी ये मतलब दरख्वास्त, जो वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब मुझे लगता है कि मोदी जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो को टैग करूंगा। आज तक कोई वीडियो मैंने मोदी जी को टैग नहीं किया, लेकिन मैं इस वीडियो को जरूर टैग करूंगा कि गोडसे को अमर रहे बोलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जबकि अगर मोदी जी की बात कोई होती है उस पर डाल दे तो यूट्यूब भी ब्लॉक कर दिया जाता है, सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फिर मोदी जी से सवाल पूछना तो बनता ही है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।